सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। हमारी आज के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। दरअसल 9 अप्रैल 1971 में अस्तित्व में आया छात्र संगठन NSUI आज अपना 53वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। वहीं इस मौके पर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में छात्र संघ के बहाल करने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत की थी, लेकिन आज उनकी ही सरकार में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी में शिक्षक संघ कर्मचारी संघ के चुनाव निरस्त हो रहे हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी हुई है। जैसा कि आज हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से ये मांग रखी, आगे हम लोग राजभवन पे राज्यपाल जी से मिलेंगे और उनको अपने 8 सूत्रीय मांग जो हमने संकल्प पत्र है वो उनके समक्ष पेश करेंगे और उनसे 10 दिन का समय मांगेंगे कि छात्र संघ बहाल करें, और उनके 10 दिन का समय देने के बाद अगर उन्होंने कोई इस मुद्दे पे कोई भी अहम वो नहीं दिया तो हम लोग सीधे जो है विधानसभा घेराव करके अपनी बात सरकार तक पहुँचाएंगे। क्या लगता है आपका, और भी अन्य राज्यों में छात्र संघ के चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश ही अच्छे? हमारे सरकार में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, कई और मंत्री, अभी दानिश आजाद जी जो छात्र संघ के रहे हैं, अगर इन मंत्रियों के रहने के बावजूद अगर छात्र संघ चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं तो ये हम लोग के लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि हर राज्य में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ छात्रों के मुद्दों के लिए, छात्रों के हुकूक की लड़ाई के लिए छात्र संघ चुनाव होते हैं, और वहाँ पे छात्र अपनी बात अपने बात हर मंत्रालय में हर जगह डट के कहते हैं, तो वहाँ पे जब दूसरे राज्यों में जहाँ पे सरकार कांग्रेस की वहाँ चुनाव हो रहे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या आप सिर्फ छात्रों से पकौड़े ही तलवाएंगे या चाय बनवाएंगे? छात्र अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ अब नहीं करेंगे और जल्द से जल्द छात्र संघ बहाल होगा। तो इस लड़ाई को लेकर कहाँ तक आगे जाएंगे, अपने कहा राज्यपाल और विधानसभा? इस लड़ाई को लेकर हम सड़क से लेकर विधानसभा तक जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, हम लोग सरकार के सामने ये मांग रखेंगे छात्र संघ बहाल करें विधानसभा घेराव करके। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। लखनऊ में CMS के संस्थापक और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 साल के कार्यकाल पूरे होने पर एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने इन 6 सालों में प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। सरकार की बेहतर कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही प्रदेश का विकास हो रहा है। समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां मुख्यमंत्री की नजर न पहुंची हो। जल्द ही उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का गौरव भी हासिल करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। 6 वर्षों की अल्प अवधि में जो योगी जी ने काम किए हमें जनता के व्यक्ति के नाते, हम किसी राजनीति में नहीं हैं, लेकिन हम एक साधारण नागरिक के रूप में ये बताना चाहते हैं कि जो काम योगी जी ने किया है वो अच्छे, और मैंने इस संबंध में एक छोटा सा एक कागज बनाया है, मैं पढ़ देता हूँ। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आपका व्यक्तित्व वंदनीय है तथा आपका व्यक्तित्व सराहनीय है। आप लोकप्रिय जननायक, कुशल प्रशासक और प्रभावशाली संगठनकर्ता हैं। लोक मंगल और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आज से 6 वर्ष मार्च 1917 में जब आपने पहली बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, तब से प्रदेश की जनता भयमुक्त हुए, किसान खुशहाल हुए, व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार के रूप जीरो टॉलरेंस की आपकी नीति अत्यंत कारगर साबित हुई है।
आपने संगठित अपराध की कमर तोड़ने का काम किया है। इसकी वजह से प्रदेश की सामान्य जनता निर्भय होकर अपने अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन कर रही है। प्रदेश में आज कानून का राज स्थापित हुआ है और सरकार के सम्मान में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार होने से प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश और विदेश से लाखों करोड़ रुपये का प्रदेश में जो भारी निवेश हो रहा है उससे विभिन्न क्षेत्रों में नवनिर्माण और उत्पादन बढ़ रहा है। साथ ही अनेक प्रकार की सेवाओं में अवसर उपलब्ध हो गए। इस पर कहें कि प्रदेश के लाखों युवाओं को इससे रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठानों और उद्योगों की स्थापना से प्रत्यक्ष रोजगार के साथ साथ अप्रत्यक्ष रोजगार की भी संभावनाएं खूब बढ़ती जा रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आपने पारंपरिक और क्षेत्रीय शिल्प और उत्पादों को प्रोत्साहित किया है। उत्तर प्रदेश के कलाकारों और शिल्पकारों में अब नया उत्साह है। वो लोग अब अपनी कलाओं को पुनर्जीवित कर अपने उत्पादों के लिए बाजार की सुविधा पा रहे हैं। सरकारी मुद्दों में आपने शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित कर लाखों विधवावान युवकों को कुंठा और हताशा से उभार दिया है। भ्रष्टाचार रहित नियुक्ति हुए युवा आपको साधुवाद और बधाई दे रहे। आपके सुशासन के संकल्प को साकार करने में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। मिशन रोजगार के अंतर्गत शुचिता पारदर्शिता और त्रुटिविहीन विधि से नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को आपने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपकर आप इन युवाओं में नया जोश भर देते। गोरखपुर श्रीनगर काशी अयोध्या प्रयागराज मथुरा और वृंदावन में आपने भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाएँ विकसित कर विशेष पुण्य अर्जित किया है। आपने पारंपरिक कुटीर उद्योगों से लेकर सूक्ष्म लघु मध्यम और भारी उद्योगों के विकास में एक नई क्रांति इन 6 वर्षों में ला दी है। उत्तर प्रदेश के जनमानस को विश्वास है कि आप अपनी सरकार की केवल 6 वर्षों की अल्प अवधि में ही अपनी योग्यता अनुभव परिश्रम त्याग समर्पण और दूरदृष्टि से उत्तर प्रदेश का समग्र विकास करने में पूर्णतः सफल हुए। वृक्ष कब उन फल भाग्य नदी में संचय तीर नीर परमार के कारण साधु धरा चली ये कबीर जी का एक दोहा है। उन्होंने लिखे इसका अर्थ किया है कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता, नदी अपना पानी कभी पीती नहीं है और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर ये परमार्थ करने के लिए आपने शरीर धारण किया है। इनकी एक बहन है जो कि झोपड़ी में चाय की दुकान लगाती है। इनकी सगी बहन इनके पिताजी की डेथ हुई उसमें क्योंकि कोरोना पीरियड था और यहाँ एवरी डे कोरोना के इंतजाम में लगे थे इसलिए अपने पिता की मृत्यु में भी नहीं जा सकी, 13 में भी नहीं जा सकी। बाद में बहुत दिन के बाद जब मौका लगा तब वो गए घर में तब अपनी माता जी से मिले। तो इस तरह का त्याग इस तरह की त्याग की भावना आज तक के इतिहास में भारतवर्ष के इतिहास में क्या
दुनिया के इतिहास में किसी भी राजनेता की ऐसी त्याग की भावना कभी भी नहीं देखी गई। तो हम, जैसे मैंने कहा कि हम किसी राजनीति में नहीं हैं, हम एक साधारण जनता के व्यक्ति हैं। और हमें अच्छा लगा कि 6 वर्षों में, अल्प समय में, इतना बड़ा काम एक व्यक्ति ने किया है और उत्तर प्रदेश को आज सारे देश में नंबर 1 स्थान पर लाके रख दिया है। तो उसकी जितनी भी हम प्रशंसा करें वो बहुत कम होगी। हमारे आज के इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।